ये जो आज़ादी सहाफत के अलम्बरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनके इल्म में इजाफे के लिए बता दें कि अब तक सबसे ज्यादा पाबंदियाँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में लगाई गयी। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मैंने उनकी जो ऑफशोर कंपनीज थी उनके बारे में लिखा था प्राइम मिनिस्टर हाउस। मुझे कॉल आई थी, प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद यू। उन्होंने कहा नहीं, आप रिजाइन करें, अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो मैं आपके चीफ एडिटर को पकड़ के जेल में डाल दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह पता चला कि मेरे चीफ एडिटर को पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर उसकी बीवी मेरे पास आई, मैंने कहा प्लीज तुम रिजाइन कर दो वरना फिर मेरे शोहर को कौन जेल से निकालेगा। इनसे जब सहाफी सवाल करते हैं तो कहते हैं तुम्हारी ये जुर्रत कौन मुझसे ये सवाल पूछ रहा है, इसमें ये हिम्मत है कि मुझसे ये सवाल पूछो। मौजूदा हुकूमत में सहाफियों पर 8 हमले हुए हैं और सब हमलों की तफ्तीश मुकम्मल हुई और उनके मुजरिम या तो सलाखों के पीछे हैं या अदालतों में उनके केस चल रहे हैं। नून लीग के दौर में सहाफियों पर 18 हमले हुए और उन हमलों में 14 सहाफियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सहाफियों पर सबसे ज्यादा यानी 39 हमले हुए और इन हमलों में 32 सहाफियों को मौत की नींद सुला दिया गया। मैं अजीज अमन, मैंने एक स्टोरी की थी जो किराए पे लोग लेके आए थे यहाँ गेम में, बिलाल भुट्टो का ट्रेन मार्च था। उसके बाद मेरे खिलाफ SSP नौशर फरोज और मकामी जियालों मेरे जीना हराम कर दिया है, मेरे बच्चों को धमकियां दे रहे हैं। वो इसलिए कि उन्होंने इनकी नालायकी और करप्शन पर बात करने की जरूरत की थी। कौन मुझसे ये सवाल पूछ रहा है, इसमें ये हिम्मत है कि मुझसे ये सवाल पूछो। हमारे एक बहुत ही सीनियर साफी थे अजीज मेमन साहब, उनका ताल्लुक सिंध के निजी चैनल और अखबार से था। कहा जा रहा है कि किला दबाकर उनको कत्ल कर दिया गया है। किस मुंह से ये आजादी सहाफत की बात करते हैं, शर्म इनको मगर नहीं आती।